बोकारो दिनभर में आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने क्यों निकाली ट्रैक्टर रैली बताएंगे। विस्थापित संयुक्त मोर्चा ने ईडीएम बिल्डिंग गेट को 6 दिनों के लिए जाम किया, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिनभर लेकर। बोकारो की सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी ने क्यों की प्रेस वार्ता। बोकारो में अब आयुर्वेद का फ्री ओपीडी सेवा मिलेगा, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ कोरोना की स्थिति भी जानेंगे, चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। हर एक भारतीय को मिलेगी यूनिक हेल्थ आईडी, अगले हफ्ते हो सकती है योजना की शुरुआत। कोरोना से मौत पर 50,000 का मुआवजा, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। पेगासस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाएगा एक्सपर्ट कमेटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर गुरुवार को वाशिंगटन पहुंचे। महंत नरेंद्र गिरी मौत के मामले में यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सेंसेक्स 258 अंक और निफ्टी 276 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 300 रूपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी की कीमत भी 300 रूपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति की मेरिट लिस्ट जारी करने पर लगाई रोक, 3 हफ्ते में मांगा जवाब। आयुष्मान योजना के तहत रांची में अब तक 1,15,000 मरीजों का मुफ्त ट्रीटमेंट। आयुष्मान योजना के तहत गरीब मरीजों का इलाज करने के मामले में रांची देश भर में 4थे स्थान पर। जेपीएससी आयोग ने संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जारी कर दी है। जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे उत्तर पुस्तिका डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो सुर्खियों में बनी रही। किसानों के समर्थन में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा बुधवार को ट्रैक्टर रैली निकाली गई। यह रैली चास के धर्मशाला मोड़ से आरंभ होकर बोकारो पहुंचा। रैली में ट्रैक्टरों के अलावा भारी संख्या में बाइक सवार भी मौजूद थे। आज हम सबों को प्रदेश से और जिला से निर्देश मिला था कि हम लोगों किसान मोर्चा की तरफ से एक ट्रैक्टर रैली निकालना है। ट्रैक्टर रैली एक तरह से किसानों के लिए जो मोदी जी ने 7 वर्ष में किया, या बोलिए कि 21 वर्ष में जो किसान हित के लिए उन्होंने काम किया, एक आभार प्रकट करने के लिए हम लोगों ने आज ट्रैक्टर रैली निकाला था। किसान हित में जो उनका नीति, किसान नीति बनाया है, जो है सारे फसलों का MSP वगैरह पे उन पर ज़्यादा फोकस करके, गन्ना हो चाहे गेहूँ हो चाहे धान हो, सबका जो MSP उन्होंने दिया है, किसान की तरफ से एक आभार प्रकट करने के लिए आज ये ट्रैक्टर रैली निकाला गया था। नियोजन मुआवजा और पुनर्वास की मांग को लेकर विस्थापित संयुक्त मोर्चा ने बुधवार को बोकारो स्टील प्लांट के ईडीएम बिल्डिंग गेट को 6 दिनों के लिए जाम कर दिया। विस्थापितों का कहना है कि विस्थापित जमीन पर सेल द्वारा उद्योग लगाया गया, लेकिन आज तक सेल प्रबंधक ने विस्थापितों को पूर्ण रूप से नियोजन नहीं दिया। मेरा मांग है नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास, और इस मांग को लेकर हम लोग कार्यक्रम करते आ रहे हैं। तो ये BSL प्रबंधन हमारी बातों को अनदेखी करता है, जिसके चलते आज हमारे विस्थापित में पूरी तरह से बुखलाहट पैदा करने का काम BSL प्रबंधन ने किया है। और ये आज हम लोग अभी यहाँ जो बैठे हैं बैरियर के सामने, ये हमारी एक उदारता है। और BSL प्रबंधन ने प्रशासन का सहारा लेकर, प्रशासन के बल पर हमारे लोगों को रोकने का काम किया है। मैं प्रशासन के लोगों से तथा जिला प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं कि आप अगर सजग होते तो शायद आज आपको पहरा बिछाने का जरूरत नहीं पड़ता। विस्थापित का ये दुख दर्द को यदि आप समझते, तो आज विस्थापित इस तरह रोड में खड़ा होकर अपना मांग नहीं रखता। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, हम 6 दिन यहाँ रहेंगे। तो हम लोग आर्थिक नाकाबंदी अनिश्चितकालीन के लिए करेंगे। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना का 2 नया मामला सामने आया है, जिसके बाद बोकारो में कोरोना के केस की संख्या 4 हो गया है, जबकि 1479 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। बोकारो जिले में ऑनलाइन होने वाले यूथ कांग्रेस के चुनाव को लेकर सेक्टर 5 स्थित मॉर्निंग ग्लोरी में आज गुरुवार को यूथ इंटेक द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अभी यूथ कांग्रेस का चुनाव की घोषणा हुई है, जिसमें यूथ इंटेक के भी सदस्य बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
और हम लोग स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और असेंबली प्रेसिडेंट, हर तरफ हर चारों विंग के चुनाव में हमारे कैंडिडेट हैं और 18 जिला में यूथ इंटक पूरे ताकत के साथ मैदान में उतर रही है कि हम लोग अपने कैंडिडेट की घोषणा कर रहे हैं कि हम लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ ऑनलाइन मेंबरशिप है यूथ कांग्रेस के चुनाव में, जिसमें स्टेट प्रेसिडेंट में हमारे एंड से कोई भी नहीं है, जो थे कैंडिडेट उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, तो हम लोग वहाँ पे अभिनव सिद्धार्थ जी को सपोर्ट कर रहे हैं। स्टेट जनरल सेक्रेटरी के लिए प्रमोद कुमार जी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव भी हैं यूथ इंटक के। उसके बाद बोकारो जिला से जिलानी अंसारी जी हैं, जामताड़ा से विवेक महतो जी हैं, जमशेदपुर से अमित प्रसाद जी हैं, फिर हजारीबाग से ओम प्रकाश जी हैं, लोहरदग्गा से सुमित कुमार जी हैं, और इसके अलावा अशरफ कमाल हो गए दुमका से, अनुराग जी हो गए देवघर से, धनबाद से कमल शर्मा हैं, को चतरा, कोडरमा, पलामू, गढ़वा ये सारे क्षेत्रों में, रांची से रोहित सिन्हा जी, हम लोग इन सब को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये बताना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि आज यूथ इंटक की सदस्यता यूथ कांग्रेस के मुकाबले पैरेलली चल रही है। आज हम लोगों ने भी, मुझे कमान संभाले हुए प्रदेश अध्यक्ष का आज 7 महीना कंप्लीट हो चुका है, और इन 7 महीना में हम लोगों ने 19 जिला में अपनी कमेटी बना ली है, जो कि इससे पूर्व 3 से 4 मैक्सिमम 5 जिला तक रह के सिमट जाती थी इंटक, और आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने का स्टेट में काम कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग असंगठित मजदूरों को जोड़ रहे हैं ताकि उनका संख्या बल ज़्यादा है, उनकी दिक्कतों को सुनने वाला कोई नहीं था। ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा मंगलवार को दिए गए धरना और बयान पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भरत यादव के द्वारा बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के ओबीसी 27% आरक्षण वाले बयान की निंदा की। देखिए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि कांग्रेस के सहयोग से झारखंड में हेमंत जी की सरकार चल रही है, और ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मांग पर कल कांग्रेस के द्वारा राजभवन के सामने धरना दे करके झारखंड के ओबीसी के वर्ग के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जब उनके सहयोग से सरकार चल रही है और इसी सरकार को वह लागू करना है, तो इनको सरकार में जब शामिल हैं तो इनको लागू करवाना चाहिए, न कि धरना प्रदर्शन दे करके झूठ मूठ का एक घड़ियाली आंसी बहाने का कोई औचित्य नहीं है। ओबीसी के वर्ग के लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज उसी का पर्दाफाश करने के लिए बोकारो जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। बोकारो में अब आयुर्वेद का फ्री ओपीडी सेवा मिलेगा, ऐसा कहते हुए दिवा अमृत आयुर्वेद के डायरेक्टर ऋषि प्रभाकर ने आज चास के कुंवर सिंह कॉलोनी में अपने क्लिनिक का शुभारंभ किया। इस क्लिनिक में और कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है, आइए जानते हैं। देवामृत बेसिकली नोएडा की कंपनी है, हम लोगों का कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो नोएडा में स्थित है। क्या मिशन है इसका? मिशन देवामृत हमने बोकारो में अभी लॉन्च किया है, आज हम क्लिनिक को ओपन कर रहे हैं। इसका जो मिशन है वो ये है कि हम लो कॉस्ट में, कम कीमत में अच्छी एफिशिएंट दवाइयाँ पेशेंट को दे सकें। पेशेंट क्लिनिक में आए, यहाँ पर डॉक्टर से फ्री जाँच करवाए, और जाँच करवाने के बाद उसकी बीमारी के मुताबिक उसको हम दवाइयाँ कम दाम में देंगे, सस्ते दामों में देंगे। मिशन जो कंपनी का बनता है वो ये बनता है कि हम लोग स्वस्थ और सक्षम भारत चाहते हैं, और हर तरह के आदमी को, हर तबके के आदमी को, चाहे वो रिच हो, चाहे वो गरीब हो, कैसे भी तबके का आदमी हो, उसका हम प्रॉपर इलाज कर सकें। 7-6 दिन जो सोमवार से शनिवार तक हम जो क्लिनिक ओपन कर रहे हैं, इसमें जो परामर्श है डॉक्टर का वो निःशुल्क है, फ्री है, कोई पैसा उसका चार्ज नहीं होगा, सिर्फ दवाइयों का ही हम पैसा चार्ज करेंगे। जो हमारी मेडिसिन बन रही हैं वो बहुत ऑथेंटिक तरीके से बनाई जा रही हैं, बहुत जेन्युइन तरीके से बनाई जा रही हैं। अगर कफ सिरप की मैं बात करता हूँ तो अगर उसको बनने में 6 महीने लगते हैं तो 6 महीने ही लगाए जा रहे हैं। अगर किसी पर्टिकुलर दवा को बनाने के लिए 30 दिन लगते हैं तो 30 दिन ही लगाए जाते हैं।
ऐसा इसलिए है ताकि जो एफिशिएंसी है वो दवाई की प्रॉपर रहे। कई कंपनीज मार्केट में ऐसी हैं जो मेडिसिन को बहुत जल्दी बनाती हैं, आज रात को वो सोचती हैं कि हमें कल सुबह इस दवाई को लॉन्च करना है और लॉन्च कर देती हैं, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा कठिन है और लंबा समय उसमें लगता है, तो हम पूरा समय लगा कर ही दवाई को बनाते हैं। तो अगर आप पीछे रेंज भी देखेंगे तो मेरे पास अभी जो रेंज है हमारे क्लिनिक्स पे वो लिमिटेड रेंज है, बट आगे चलकर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम इसमें और औषधियाँ और दवाइयाँ इसमें हम ऐड करते रहेंगे। देवमृत आयुर्वेदा के जो दो डायरेक्टर हैं संजय सर एंड ऋषि प्रभाकर सर, इनका जो मिशन है देवमृत लेकर के स्वस्थ भारत हो, लगभग अभी हमारे 6 से 7 क्लिनिक हमारे खुल चुके हैं, अहमदाबाद हो, बेगूसराय हो और यहाँ हो, नोएडा में हमारे क्लिनिक्स होंगे। एंड इसके साथ सबसे खासियत बात जो मैं बताना चाहता हूँ देवमृत आयुर्वेदा की, वो ये है कि फ्री कंसल्टेंट के साथ हमारी ऑनलाइन भी फ्री कंसल्टेंट होती हैं हमारे डॉक्टरों के साथ, जो कि एक्सपीरियंस है, एमडीज एक्सपीरियंस है। हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं वो कोई जड़ी बूटी वाले नहीं हैं बाबा टाइप के, हमारे पास वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है देवमृत के साथ, आपको डाइट प्लान किसी भी बीमारी में क्या चाहिए हमारे डॉक्टर की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ये एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं डॉक्टर हमारे डॉक्टरों के साथ एंड दो हमारे जो एमडीज हैं वो उनके साथ। बोकारो के चास में बुधवार को झारखंड संस्कृति मंच के तले कर्मा महोत्सव का आयोजन किया गया। भाई बहन के इस त्यौहार में बहनों ने कर्मा डाली के पास नाच कर अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करते हुए पूजा अर्चना की। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग ये पर्व 86 से मनाते हुए आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट 5 नवंबर को हमारे स्वर्गीय राजेंद्र महतो जी नहीं रहे, उसके बाद भी हमने टुसू का भी कार्यक्रम किया और आज है करम जवाब पर्व। उनकी स्मृति में अलग राग सेनानी रूप में हमारे बाबूजी झारखंड आंदोलनकारी हैं, उस स्मृति में आज हम लोग करम जवाब महोत्सव इस सांस्कृतिक पर्व को बचाने के लिए और लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम करने का उद्देश्य है कि हमारे बाबूजी ने जो कार्यक्रम किया है वो विलुप्त ना हो और लोगों के बीच में इस संस्कृति सभ्यता और जो माई माटी मानुष के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, हमारी संस्कृति हमारी पहचान, वो लोगों के बीच में बने रहे, जागरूकता फैली रहे, जानते रहें लोग, हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसको परंपरा को आगे बढ़ाए। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। आज का कमेंट ऑफ द डे सदाम खान द्वारा किया गया है, जिन्होंने 10 सितंबर को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर यह कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है, एक दिन में कितनी न्यूज अपलोड करते हैं या सिर्फ एक ही टाइम। सदाम जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। और मैं आपको बताऊं कि बोकारो ज़िले में अधिकतर खबरें हम बोकारो दिनभर में रात को 8 बजे प्रसारित करते हैं और इसके अलावा बोकारो फ्लैश बिग ब्रेकिंग के जरिए हम न्यूज़ दिखाया करते हैं। बने रहें हमारे साथ। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर, आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।